लीमड़ी नेशनल हाईवे 8-10 किलोमीटर सुधी चक्का जाम कर જેમાં દલિત સમાજ માટે જીવ દેવા માટે તૈયાર તેવા આગેવાનો અને મોટી સંખ્યામાં દલિત લોકો એકઠા થયેલા અને અનેક લોકો આગેવાની લઈ 1.5 કલાક માટે હાઈવે ચક્કા જામ કરેલ અને સમાજ ઉપર જે રીતે અવનવર બનાવ બનશે તે સંદર્ભે સૂત્રોચ્ચાર કરેલ અને આ બાબતને ધ્યાને લઈ પોલીસ કાફલો ત્યાં સ્થળ પર આવી પહોંચેલો અને થોડીવાર દબંગગીરી પણ કરેલ અને થોડીવાર પછી પોલીસ તંત્ર દ્વારા આ ચક્કા જામ થયેલ હાઈવેને મુક્ત કરાવેલ. गुजरात के अंदर गिर सोमनाथ जिला के अंदर ऊना तहसील के अंदर 4 दलित लड़कों को सरेआम पीटा गया, फिर भी यहाँ की गुजरात प्रदेश की सरकार मौन है, पूरा पुलिस तंत्र मौन है, यहाँ का विपक्ष जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी की पूरी मौन है. तो इसी दलितों पे अत्याचार होगा, चाहे पिछड़ो आदिवासियों पे अत्याचार होगा, ओबीसी के ऊपर अत्याचार होगा, सवर्ण समाज के गरीबों पे अत्याचार होगा, बहुजन समाज पार्टी यही रास्ता अपनाएगी और पूरे प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करेंगे. पुलिस तंत्र ने अपना काम किया है और पार्टी कार्यकर्ता ने और पार्टी के अलावा भी जो समाज ने अंदर जो एक आक्रोश फैला है, जो अदर पार्टी के लोग है, ये दलित समाज के लोगों ने हमें सहयोग दिया. लेकिन हमारी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के लोग जुड़े हैं उनसे मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से विनती करता हूँ कि आप भी, ये बाबा साहब का आंदोलन है, बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन है, बहुजन समाज के आंदोलन में जुड़ जाइए. और ये दलित समाज के लोगों को कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ चले आओ, ये देश के राजा बना देंगे हम. प्रवीण परमार, रिपोर्ट S9 न्यूज, सुरेंद्र नगर.